नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल टूरिस्ट पॉइंट पर। मेरा नाम है दीपक और आप सभी जानते हैं कि हम आपके पर्यावरण सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और टॉपिक वाइज स्टडी में हमने आपके अंतरिक्ष और विज्ञान के 6 वीडियो कंप्लीट किए हैं। उसमें हमने सारे आपके 100 क्वेश्चन के समथिंग कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें हमने आपके PEB के सिलेबस के हिसाब से सारे टॉपिक के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। उसी तरह से आज हमारा 6 नंबर का जो टॉपिक है आपका, जो कि आपके PEB के हिसाब से ही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, प्राकृतिक वस्तुएं रूपज, उसका पहला वीडियो आज हम लेकर आए हैं। और उसमें हम जितने यहाँ पर मेंशन है पॉइंट, उन्हीं के हिसाब के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि हम एक्स्ट्रा कोई सी भी चीज़ नहीं करेंगे जो कि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड ना हो। इसके बाद हमारा 7 नंबर का एक और मानव निर्मित वस्तु है, वही बचेगा। उसके बाद हमारी पेडागोजी हम स्टार्ट करेंगे। तो आपके एग्जाम आते हैं, पर्यावरण का सिलेबस मैं अपनी तरफ से पूर्णतः करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। और ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी MP, TET, CET, जितनी भी आपकी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की एग्ज़ाम होती है, उनके सबके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं आपसे बात कहना चाहूँगा कि यदि आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने आपके 39 के बाद यानी डे 39 के बाद के 43 तक के वीडियो और संडे का मिक्स क्वेश्चन के जो PDF है उसमें अपलोड कर दी है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी, सभी वीडियो की आपको PDF मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। और हर संडे का आपका 30 मिक्स क्वेश्चन का वीडियो देखना आप ना भूलें। जल्द ही हम आपकी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का वीडियो भी लेकर आएंगे और उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। आपके आग्रह पर ही हम ये सब कर रहे हैं, जिससे कि आपकी बेहतर तैयारी चल सके। मोटिवेशन थोड़े से स्टार्ट करते हैं रोज़ाना की तरह। अगर आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हो तो वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि वो वक्त ही जिससे ज़िंदगी बनी होती है। दोस्तों, मैंने वक्त को हाईलाइट किया है दोनों उसमें, तो इसका मतलब यही है कि आपका जो ये समय है बहुत कीमती है और इस समय से ही आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। यदि समय नहीं है तो ज़िंदगी नहीं, और ज़िंदगी नहीं है तो समय भी नहीं है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपका जो वक्त है वो बहुत कीमती है आपकी ज़िंदगी बनाए रखने के लिए और अपनी आगे ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही गहराई वाली बात कही गई है, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। खरपतवार हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है कटाई, निराई, जोतना, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा ऑप्शन। दोस्तों, थोड़ा सा रुक रुक के बताऊंगा मैं आपको, जैसे कि आप ऑप्शन लगाने की कोशिश करें। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहें और अन्य उपयोगी वीडियो भी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लाइक ज़रूर करें। तो इसके ऑप्शन आपका हो जाएगा निराई, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। निराई के द्वारा खरपतवार आपकी खेत की हटाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हल का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है जुताई, उर्वरक निकालने, खरपतवार निकालने, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ पर आप कर लीजिएगा उपयुक्त सभी। क्योंकि हल का उपयोग जो है जुताई, उर्वरक निकालने, खरपतवार निकालने, तीनों के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मैं जब PDF आपको भेजूंगा तो उसमें ये ऑप्शन सही कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है, सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से बचत होती है, किस चीज़ की बचत होती है आपको बताना, सीड ड्रिल के द्वारा, समय, श्रम, पक्षियों द्वारा नुकसान, एक और दोनों। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, एक और दोनों, इसमें समय और श्रम दोनों की बचत होती है, पक्षियों के द्वारा नुकसान, इसमें किसी भी तरह से ये ऑप्शन सही नहीं होगा। तो सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम की बचत होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? आपको बताना है गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में किया जाता है हमारे भारत के। आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में। दोस्तों, आपका इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में। गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक जो होता है वो होता है आपका उत्तर प्रदेश में। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मक्का कहाँ पैदा होती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा। सबसे अधिक मक्का कहाँ पैदा होती है आपको बताना है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें सही हो जाएगा, राजस्थान में सबसे अधिक मक्का पैदा होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ज्वार बाजरा मुख्यतः कहाँ पैदा किया जाता है? आपको बताना है ज्वार बाजरा का उत्पादन मुख्यतः कहाँ किया जाता है, कहाँ की मुख्य फसल के रूप में आप मान सकते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में ज्वार बाजरा मुख्यतः पैदा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, मटर कहाँ पैदा की जाती है? आपको बताना है मटर जो होती है वो कहाँ पैदा की जाती है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उपरोक्त में सभी। तो ये जितने भी राज्य सभी में मटर जो है उत्पादित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, गन्ना एक प्रकार का होता है,
गन्ना क्या है आपको बताना है एक प्रकार से। आपके पास ऑप्शन है मोटे तने वाली घास, फल, पेड़, इनमें से कोई नहीं। तो गन्ना एक प्रकार से आपकी मोटे तने वाली घास होती, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नाइन्थ नंबर का हमारा क्वेश्चन है, चाय मुख्यतः कहाँ पैदा की जाती है। आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, पश्चिम बंगाल की उत्तरी ढाल और केरल। बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल की उत्तरी ढाल, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कहवा कहाँ पैदा किया जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मैं थोड़ा आंसर आपको थोड़ा सा सोचने के बाद इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा उत्तर उसमें करने की कोशिश करें। आप बोलते हैं बाद में कमेंट्स में, सर आप थोड़ा जल्दी जल्दी मत बताया कीजिए, हमें भी थोड़ा सा मौका दीजिए कि हम सोचें। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं दोस्तों। अपने वीडियो में दोस्त अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे उनकी तैयारी भी अच्छी चल सके। शीतोष्ण कटिबंधीय फलों के उदाहरण हैं आड़ू, नाशपाती, केले, संतरे, अनानास, इनमें से कोई नहीं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय फलों के उदाहरण है आड़ू, नाशपाती। अगला हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, दोस्तों इनमें समझाने वाली कोई चीज़, जो क्वेश्चन आपके समझाने वाले हो तो मैं बिल्कुल समझाता हूँ, लेकिन जो समझाने वाले एक्सप्लेन करने वाले नहीं, बस वन लाइनर टाइप के, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं होती, तो उनमें आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। लेकिन में से किस फल को तंतुओं की रानी कहते हैं। चाय, कहवा, कपास, पटसन। पटसन ये जूट होता है, ठीक है दोस्तों। चाय, कहवा, कपास, पटसन, इनमें तंतुओं की रानी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 कपास को तंतुओं की रानी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, IMP क्वेश्चन है दोस्तों। कोई क्वेश्चन फिर भी यदि आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा आप। आपको पता है मैं अगले दिन जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट्स करते हो तो मैं अगले वीडियो में उसको ऐड करके आपको समझा देता हूँ। तो आप क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिएगा जो समझ में नहीं आता, मैं आप उसको बता दिया करूँगा। भारत का सुनहरा तंतु क्या कहलाता है। आप सुनहरे तंतु को बताना है कि उसको क्या बोलते हैं। पटसन, तंबाकू, रबर, चाय। दोस्तों अभी मैंने बताया पटसन को जूट, जूट जो है वो उसको सुनहरा तंतु बोलते हैं, इससे रस्सियाँ, सुतलियाँ वगैरह बनती है, थैले वगैरह बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, पटसन जूट मुख्यतः कहाँ पैदा किया जाता है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। जो पटसन है जूट वह पश्चिम बंगाल में मुख्यतः पैदा किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है लास्ट और अंतिम, रबर सबसे अधिक कहाँ पैदा होती है। नेपाल, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। रबर सबसे अधिक जहाँ पैदा की जाती है उस राज्य का नाम है केरल। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। वीडियो मन तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक करके जाएँ। और अभी जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जस्ट थोड़े दिन पहले, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अभी तक हमने कितना आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, तो वो वीडियो आप देख लें जिससे आपको ये जानकारी हो जाएगी। यदि आपने नहीं देखा है तो आपको आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी कि अभी तक हमने सिलेबस कितना पूरा किया है, तो उससे आपको आपका सिलेबस भी जानने में आसानी होगी और यही पता चलेगा कि सिलेबस कितना पूर्ण हुआ है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।